हेलो फ्रेंड्स, प्रमिला टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुलाब के पौधों के बारे में कुछ विशेष जानकारियां दूंगी। मई जून की इतनी भीषण गर्मी के कारण पौधों को बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, तो इनमें कोई भी काम अपन को सोच समझ के करना है। तो आज मैं उस चीज़ के बारे में आपको कुछ विशेष जानकारियाँ दूंगी, तो बने रहिए आप मेरे साथ, आइए। अप्रैल मई की गर्मी बढ़ने के कारण गुलाब के पौधों में कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। इस समय गुलाब में कोई भी काम अपन को सोच समझ के करना है। गुलाब के पौधे इस सीजन में बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। गर्मी के कारण गुलाब का साइज भी छोटा हो जाता है। ये देखिए, और मेरे गुलाब का साइज भी छोटा हो गया है और ये बहुत ही जल्दी सूखने लगते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे फर्टिलाइजर आपको बताऊंगी जिससे आपकी गुलाब को गर्मी में कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत से पौधे लगाते हैं, फिर वो सूख जाए तो बड़ा ही दुख होता है। देसी गुलाब को शाम होते होते फूल मुरझा जाते हैं। ये वीडियो मेरा शाम का ही बना हुआ है। आपके फूल जो सूख जाते हैं उनको आप कट कर दें। कट करने से नई ब्रांच आती हैं और पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी पौधा गुलाब सूख जाता है तो इस तरीके से उसको निकाल दें, जैसे ये मैं निकाल रही हूँ। तो हटाने से ये बहुत ही अच्छा पौधा हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी कटिंग की। तो इसको आप कटिंग से भी आसानी से लगा सकते हैं। बस कटिंग के बाद इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर या हल्दी का पानी बनाकर इस तरीके से डाल दें। पौधे में जो भी सूखी पत्तियां हैं उनको भी आप हटा दें। गर्मी में नेट लगाकर रखें या सेमी शेड एरिया में रखें, क्योंकि गर्मी के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। गर्मी अधिक होने से गुलाब के पौधे पर बहुत अधिक फर्क पड़ता है। अब बात करेंगे पानी की। तो पौधों में सुबह के टाइम में बहुत अच्छे से पानी डालें। गमलों में भी पौधों के ऊपर भी शावर कर दें, जैसे ये मैं कर रही हूँ। शाम के टाइम थोड़ा पानी कम डालें, नीचे की साइड में पानी ज़्यादा डालें, शावर ना करें। अगर मिट्टी के गमले में लगा रखे हैं तो पॉट को भी अच्छी तरीके से भिगो दें। अगर प्लास्टिक के गमले में लगा रखा है तो सुबह तो सभी में अच्छी तरीके से भिगो दें। प्लास्टिक के पॉट में नमी रखने के लिए थर्माकोल लगा दें पॉट के आसपास। इसमें गमले के अंदर हीट नहीं जाएगी। सभी पौधों को झुंड बनाकर एक साथ रखें। एक दूसरे के सहारे से नमी बनी रहती है। पौधों में नमी रखने के लिए नारियल की जटाएं इस तरीके से बिछा दें, ज़्यादा टाइम तक नमी बनी रहेगी। गर्मी में इन पौधों में बड्स पहले ही तोड़ दें। ज़्यादा फूल पाने का इंतज़ार ना करें। इनकी बड्स तोड़ने से पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। अब बात करेंगे फर्टिलाइज़र की। तो इस भयंकर गर्मी में कौन कौन से फर्टिलाइज़र आपको देना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें केमिकल युक्त खाद नहीं देना है। घर का बना हुआ कोई भी खाद डाल सकते हैं, जैसे चाय की पत्ती का पानी इस तरीके से उबाल कर इसको ठंडा करके गुलाब के पॉट में थोड़ा थोड़ा डाल दें। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन ही होता है, इसके साथ ही पोटेशियम और फास्फोरस भी होता है। दूसरा फर्टिलाइजर सभी सब्जियों के छिलकों का पानी, उसको गलाकर और फिर उस पानी को छान के उसमें सादा पानी मिलाकर सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा डाल दें। हल्दी पाउडर, इसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं जिससे पौधों में फंगस नहीं लगता। और इस तरीके से मेरे बताए हुए टिप्स को आप फॉलो कीजिए और अपने प्लांट को हेल्दी रखिए। जो जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताए हैं सारे फर्टिलाइज़र गर्मियों में यही यूज़ करें, आपका पौधा हेल्दी रहेगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।